Hello, 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 everybody. A very, very, very beautiful good evening and welcome to the class. आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. A very, very, very good evening, बेरा जी. आ जाइए. Good evening, good evening. Let me quickly check कि हम perfectly live हैं. क्या आप मुझे देख सकते हैं? Are we perfectly live? Let me quickly check. Yes, we are online. All right. A very, very, very beautiful good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody, and welcome to the today's session. आज जाएंगे. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा जी. Good afternoon. तो आपकी बहुत ही ज्यादा requests थी कि madam यार interpretation of statutes को थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा revise करवा दीजिए. काफी दिन हो गए हैं कि हमने interpretation of statutes, other law में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को हमने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, तो एक बार इसकी रिवीजन करवा दीजिए. सो आई थॉट व्हाई नॉट, अगर आप इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहते हैं और अगर आपने काफी समय हो गया है आपको इंटरप्रिटेशन को पढ़ के, तो क्यों ना हम इंटरप्रिटेशन को ही रिवाइज कर लें. कंपनीज एक्ट के तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम रिवाइज कर चुके हैं. चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ये सारे चैप्टर्स कंपनीज एक्ट के हम रिवाइज कर चुके हैं इस चैनल पर. अब हम स्टार्ट क्या करेंगे? अदर लॉज. अदर लॉज में आज हम लेने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और परसों हम लेंगे जनरल क्लॉजेस. ये जो दोनों ही है ना, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस, इन दोनों में ही बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ये स्लाइटली ऑन द टफर साइड है, तो बच्चे थोड़ा सा समझने में दिक्कत करते हैं. तो इसीलिए मैंने आपका आज रखा है इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. आ जाएंगे एवरीबडी, सारे बच्चे आज अभी. और किसी एक्ट की बात नहीं होगी कि मैडम ये कराओगे क्या, ये कराओगे क्या. अभी हम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंटरप्रिटेशन. ठीक है, सारा फोकस हमारा किस पे रहना चाहिए? इंटरप्रिटेशन पे रहना चाहिए. जिस चीज को हम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल के लिए रहना चाहिए. ठीक है, चलिए. ओके, चलिए. दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल गगन, वंडरफुल, परफेक्ट. चलिए जी, तो आज की क्लास को शुरुआत की जाए. आज की क्लास की शुरुआत की जाए. हां जी, सारे बच्चे. साक्षी बेटा, आप कौन सी क्लास में आयो? इंटरप्रिटेशन की आयो ना. अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है बेटा, तो आप इस क्लास को स्किप भी कर सकते हो. जिस बच्चे को इंटरप्रिटेशन करना है बेटा, ओनली वो ही क्लास में रहे. जो बच्चा इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुका है और जो कॉन्फिडेंट है इस चैप्टर में और जो इस चैप्टर को ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो आप ना अटेंड करें. ये सेशन सिर्फ सिर्फ प्लेन उन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम राइट नाउ नवंबर में हैं और उन्हें इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है. तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? रिवाइज करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. चलिए जी, क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों? तो आज की सेशन को हम शुरुआत करते हैं. क्या आप लोग सब तैयार हैं? एवरीबडी, क्या आप लोग सभी रेडी हैं? श्रेष्ठा, अरे वाह, आ जाओ. दिल्ली मैराथन याद है? आ जाओ, याद है, याद है, याद है, आ जाओ. चलिए जी, गुड इवनिंग जी. चलिए स्टार्ट करें. ऑल राइट, तो चलिए जी बच्चों, सारे बच्चे, हो सकता है आपने ये चैप्टर पहले मेरे से पढ़ा हो सकता है आपने ये चैप्टर मेरे से पहले ना पढ़ा हो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. मैडम इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? वर्ड, सबसे पहले तो आप ये देखोगे वर्ड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है. इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब है एनालिसिस करना, अंडरस्टैंड करना, रीड करना. अंडरस्टैंड करना, रीड करना, एनालिसिस करना. इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब होता है समझना, रीड करना, एनालिसिस करना. स्टैट्यूट्स मतलब क्या हो गया? लॉ. लॉ हो सकता है आपका, आपका एक्ट हो सकता है, कोई सेंट्रल एक्ट हो, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, हो सकता है स्टेट एक्ट हो. तो लॉ मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन. लॉ का इंटरप्रिटेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो ये जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये किस चीज पर है? लॉ के इंटरप्रिटेशन पे. मैडम लॉ को इंटरप्रेट करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो कई बार क्या होता है ना बेटा, मुझे बताओ अपनी कंट्री में लॉ क्यों लाया जाता है? लॉ मतलब क्या हो गया? लॉ मतलब हो गया कानून. तो देश में कानून क्यों लाया जाता है? देश में कानून इसलिए लाया जाता है क्योंकि कानून की नीड पड़ी थी.
कानून की जरूरत थी, कानून लाने की जरूरत थी, इसीलिए तो देश में कानून लाया गया। कोई नीड थी कानून लाने की, इसीलिए लॉ मेकर्स क्या लाए, लॉ लाए। हमारे देश में कानून की जरूरत थी, इसीलिए देश में कानून लाया गया। करेक्ट? यस मैडम। अब कई बार क्या होता है, सारे बच्चे, कई बार लॉ की जो लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से लॉ लिखा हुआ है, जिस तरीके से लॉ की लैंग्वेज होती है, उस लॉ की लैंग्वेज को पढ़कर ये समझ में नहीं आता कि लॉ मेकर्स को, लॉ मेकर्स क्या कहना चाहते हैं, लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन है। कई बार जब हम लॉ की प्लेन रीडिंग करते हैं, कोई भी लॉ हो सकता है, कोई भी एक्ट हो सकता है, जब हम लॉ को प्लेन रीडिंग करते हैं, कई बार ऐसी बहुत सारी वर्डिंग्स होती है लॉ में जिनके लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आते, मतलब लॉ की लैंग्वेज हमें कई बार समझ में नहीं आती है। हमें यह समझ में नहीं आता है कि लॉ मेकर्स को इस लॉ को लाने के पीछे का इंटेंशन क्या था। अगर लॉ की लैंग्वेज पढ़ के, अगर लॉ की लैंग्वेज पढ़ के आप डिस्कवर कर सकते हो, मान लो अगर लॉ की लैंग्वेज, लॉ को रीड करके अगर आपको समझ में आ रहा है लॉ मेकर का इंटेंशन कि लॉ मेकर लॉ को क्यों लाए, इसकी क्या जरूरत थी और लॉ मेकर्स क्या कहना चाहते हैं, लॉ मेकर्स क्या कहना चाहते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, ये लॉ क्यों लाया गया, इस लॉ की क्या नीड थी, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था। अगर लॉ पढ़कर आप इस चीज को डिस्कवर कर पा रहे हैं, लॉ मेकर इस लॉ को क्यों लाए, उनका क्या इंटेंशन था, वो क्या कहना चाहते हैं, तो हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है अगर हम लॉ पढ़कर समझ पाए कि भाई लॉ मेकर क्या कहना चाहता है, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था। अगर लॉ पढ़कर हम उसे समझ पा रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब लॉ को पढ़कर वी आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। लॉ की रीडिंग करके अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, वी आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। अगर लॉ मेकर का इंटेंशन हम समझ में नहीं आ पा रहा है हमें कि लॉ मेकर क्या कहना चाह रहा है, या लॉ मेकर को लॉ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है इसके थ्रू, अगर वो हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हम किसके पास आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के पास आते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर लॉ को पढ़कर हम ये समझ पा रहे हैं कि लॉ क्या कहना चाहता है, लॉ मेकर्स क्या सोच रहे थे, अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जरूरत कब पड़ती है, जब लॉ को पढ़कर हमें समझ में नहीं आ रहा कि लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था, लॉ मेकर इस लॉ को क्यों लाए, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तब हमें जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। अच्छा मैडम, ओके। अब इंटरप्रिटेशन के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं मैडम, लॉ को समझने के लिए, लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए व्हाट आर द टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैडम इंटरप्रिटेशन के क्या टूल्स होते हैं, तो सारे बच्चे देखेंगे, देयर आर टू टूल्स। एक हो गया आपका स्टैट्यूटरी टूल्स और एक हो गया आपका नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स। ठीक है, टूल्स मैम, स्टैट्यूटरी टूल्स मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन के लिए आप स्टैट्यूटरी टूल्स देखते हो, मतलब आप एक्ट को रेफर करोगे, जिस एक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए एक्ट में लिखी हुई बातें, जैसे एक्ट का लॉन्ग टाइटल, एक्ट का प्रियम्बल, एक्ट के हेडिंग्स वगैरह को रेफर करते हो। अगर किसी लॉ को आपको समझना है तो पहले तो आप उस एक्ट को ही देखते हो, उसके बाद आप और किसको देखते हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट को। आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ा है क्या, तो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट, किसी स्टेटमेंट का मतलब निकालने के लिए आप जीसी एक्ट के पास भी जाते हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट के पास भी जाते हो। नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स में क्या आ जाते हैं बेटा, रूल्स आ जाते हैं, प्राइमरी रूल्स होते हैं जिसे आज आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे, एंड सेकेंडरी रूल्स भी होते हैं जिसे भी हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। तो इंटरप्रिटेशन के दो टूल्स हो गए, स्टैट्यूटरी टूल्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स। स्टैट्यूटरी टूल्स मतलब पहले तो एक्ट को समझने के लिए एक्ट में ही देखो, या आप फिर किसके पास जाओगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट के पास जाओगे। नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स मतलब रूल्स को देखो, किसको देखो, रूल्स एंड केस लॉज को देखो।
तो रूल्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, जिसे हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, एंड केस लॉज। करेक्ट, ओके, परफेक्ट है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। जब इंटेंशन समझ में नहीं आता कि लॉ मेकर लॉ को क्यों लाया, तो हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। जब हमें लॉ पढ़कर समझ में नहीं आ रहा कि लॉ मेकर क्या कहना चाहता है, उसके क्या इंटेंशन है, तो हम इंटरप्रिटेशन के पास जाते हैं। इंटरप्रिटेशन के दो टूल्स हो गए, स्टैट्यूटरी टूल्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स। नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी रूल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रूल्स। तो पहले आप किसको रेफर करोगे, पहले आप प्राइमरी रूल्स को पढ़ोगे। प्राइमरी रूल्स से अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे तो आप सेकेंडरी रूल्स के पास जाते हो। पहले आप किसको देखते हो, प्राइमरी रूल्स को। पर अगर आप प्राइमरी रूल्स द्वारा भी आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप किसके पास जाओगे, आप सेकेंडरी रूल्स के पास जाओगे इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके, चलिए, तो अब ये प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स इंटरप्रिटेशन के आपके सामने है। ये हो गए प्राइमरी रूल्स और ये हो गए बेटा जी आपके सेकेंडरी रूल्स। तो एक एक करके हम सारे रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल अगर एग्जांपल दूं, मेरे को एक बात बताओ मैडम, इंटरप्रिटेशन मतलब एग्जांपल दो। देखो, कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये पढ़ा था क्या, ये चीज लिखी हुई थी कंपनीज एक्ट में, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, ऐसा लिखा हुआ था, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। अगर आप इसको रीड करते हो, अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करते हो कि कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, तो आप ये क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे कि कंपनी कैन बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस। आपको इसको क्या पढ़कर समझ में आ रहा है, कंपनी कैन बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, मतलब लॉफुल काम के लिए कंपनी को बुलाया जा सकता है, और अगर आप कोई ऐसा काम, इलीगल काम करो, तो उसके लिए भी कंपनी को बनाया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लॉ की प्लेन रीडिंग की, कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, इसको पढ़कर आप क्या समझ रहे हो कि कंपनी को लॉफुल काम के लिए तो बनाया जा सकता है, पर कंपनी को इलीगल कामों के लिए भी बनाया जा सकता है। पर क्या ये लॉ मेकर का इंटेंशन है, मुझे क्या बताओ, क्या ये जो लिखी हुई बात है, जो जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा आप समझ रहे हो, क्या वो ट्रू इंटेंशन है लॉ मेकर के? नहीं, लॉ मेकर जो कहना चाहता है वो आप इस बात से, इस वर्डिंग से नहीं समझ पा रहे हो, तो आप किसके पास जाओगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या बोलता है, ये क्या कहने का मतलब है, मतलब अगर एक लॉफुल काम आपको करना है तो यू मे फॉर्म, तो आप चाहो तो एक कंपनी बना सकते हो, चाहो तो एक फर्म बना सकते हो, चाहो तो आप कोई एक LLP बना सकते हो, मतलब लॉफुल काम को करने के लिए चाहो तो आप एक कंपनी, चाहो तो आप एक फर्म, चाहो तो आप एक LLP बना सकते हो, मतलब कंपनी को बनाया जा सकता है, मतलब कंपनी को भी आप बना सकते हो लॉफुल काम करने के लिए, चाहो तो आप फर्म को भी बना सकते हो, चाहो तो आप LLP को भी बना सकते हो, ये इंटेंशन है लॉ मेकर का। तो कई बार, अब आपको समझेगा, कई बार लॉ में जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है उसको पढ़कर तुम्हें इंटेंशन नहीं समझ में आ रहे, तब आप किसके पास जाते हो, इंटरप्रिटेशन के पास, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया, ठीक है। प्लेन रीडिंग से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा लॉफुल पर्पसेस के लिए कंपनी वगैरह वगैरह बनाई जा सकती है, तो कंपनी को भी बनाया जा सकता है लॉफुल काम के लिए, जैसे आप फर्म या LLP खोल सकते हो, वैसे ही आप कंपनी को भी खोल सकते हो, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। वेरी वेरी गुड, चलिए, तो सबसे पहले हम प्राइमरी रूल्स को पढ़ते हैं। प्राइमरी रूल्स को ही सबसे पहले इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है, पर जब प्राइमरी रूल्स को पढ़कर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो आप सेकेंडरी रूल्स के पास जाते हो, ठीक है। तो पहला रूल इंटरप्रिटेशन का जो हम अपनी क्लास में लेंगे वो है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये एक कार्डिनल रूल है कंस्ट्रक्शन का। कार्डिनल मतलब गोल्डन रूल है कंस्ट्रक्शन का, मतलब किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए ये एक गोल्डन रूल है। ये क्या कहता है, स्टैट्यूट्स मस्ट बी कंस्ट्रूटेड, मतलब स्टैट्यूट्स का आप क्या मतलब निकालोगे, लिटरली एंड ग्रामेटिकली गिविंग दी वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग। मतलब अगर स्टैट्यूट्स के वर्ड, स्टैट्यूट्स में लिखे हुए, मतलब लॉ में लिखे हुए वर्ड अगर क्या है, कहता है लॉ में लिखे हुए वर्ड अगर क्लियर है, लॉ में लिखे हुए वर्ड्स अगर
पूरी क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉ में लिखे हुए वर्ड्स अगर बिल्कुल सर्टेन है, वेग नहीं है, नॉट वेग, और एकदम क्लियर वर्ड्स है, तो आप उन वर्ड्स का मतलब उनके ग्रामेटिकल मतलब से ही निकाले, उनके ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग जो निकल रहा है उसी से निकालो। कहता है जब वर्ड्स जो यूज किए हुए हैं लॉ में, अगर वो वर्ड्स क्लियर है, सर्टेन है, वेग नहीं है, तो उन वर्ड्स का मतलब लिटरली एंड ग्रामेटिकली जो मतलब निकल रहा है वही मतलब आप लेंगे। इन अदर वर्ड्स स्टैट्यूट्स आर केपेबल ऑफ वन कंस्ट्रक्शन ओनली, मतलब अगर लॉ पढ़कर सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा है, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, वर्ड्स बिल्कुल सर्टेन है, तो वर्ड्स पढ़कर अगर एक ही मतलब निकल रहा है देन इट वुड नॉट बी ओपन टू द कोर्ट, तो कोर्ट भी कोई दूसरा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, कोर्ट भी कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता। मतलब अगर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लॉ में यूज की गई है, अगर उसका पूरा ग्रामेटिकल मतलब निकल रहा है, उन वर्ड्स जो वर्ड्स लॉ में लिखे हुए हैं अगर उनका मतलब क्लियर है, सर्टेन है, वेग नहीं है, जो लैंग्वेज लॉ में लिखी हुई है उनका जो ग्रामेटिकल मतलब निकल रहा है अगर वही क्लियर मतलब है, तो आप उसी को क्या करोगे, यूज करोगे। तो कहता है देखो, नॉर्मली वेयर द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट्स आर इन देमसेल्व्स क्लियर, सबसे पहला क्या बोला गया है, अगर जो वर्ड्स लॉ में लिखे हुए हैं अगर वो वर्ड्स क्लियर हैं, उनमें कोई भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, देन दीज वर्ड्स शुड बी construted in their natural and ordinary sense. तो इन words का मतलब आप उनके natural और ordinary sense से ही निकालोगे। Words का जो actual meaning है, वही actual meaning आप लेंगे। It is not open to the court. Court भी कोई दूसरा hypothetical construction नहीं निकाल सकता। ये है rule of literal construction. तो basically सारे बच्चे, अगर मैं आपको sum up करूं, सारे बच्चे यहां देखिएगा, rule of लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये कहता है, व्हेन द लैंग्वेज जब जो लैंग्वेज यूज हो रही है, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन लॉ इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, नॉन कंफ्यूजिंग, मतलब जब लॉ, जो लैंग्वेज लिखी हुई है लॉ में, वो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, नॉन कंफ्यूजिंग है, तो उनका क्या मतलब लोगे आप, तो उनका रीड द वर्ड एज दे आर, जो उनका मतलब निकल रहा है, इन देयर ट्रू नेचुरल एंड ग्रामेटिकल सेंस, जो उनका ट्रू ग्रामेटिकल मीनिंग निकल रहा है उसी ग्रामेटिकल मीनिंग को आप क्या करेंगे, लेंगे। कोई कोर्ट भी कोई हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, कोर्ट भी कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता, जब वर्ड्स लॉ में लिखी हुई बिल्कुल क्लियर है, नॉन कंफ्यूजिंग है, तो जो वर्ड्स जैसे लिखे हुए हैं उन्हें वैसे ही रीड किया जाए, उनका ट्रू नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग जो निकल रहा है उन्हीं को यूज किया जाए, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वेरी वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है देखो, ये एक लैटिन फ्रेज यहां पर लिखा हुआ है, इस लैटिन फ्रेज का मतलब है प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है जिसका क्लियर मतलब निकल रहा है, प्लेन वर्ड है, तो उसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप वर्ड को वैसे ही पढ़ोगे जैसे लिखा हुआ है, मतलब इन देयर ट्रू नेचुरल एंड ग्रामेटिकल सेंस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका कीवर्ड क्या है, आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे इन इट्स ट्रू ग्रामेटिकल सेंस, जो उसका ग्रामेटिकल मतलब निकलता है, इन इट्स ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन इट्स ट्रू ग्रामेटिकल सेंस, जो ग्रामेटिकल सेंस में मतलब निकल रहा है उसी को लोगे, इन इट्स नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस, मतलब इन इट्स ट्रू ग्रामेटिकल सेंस ही लोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कहता है व्हेन अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू इंटरप्रिटेशन, वन नैरोअर एंड अदर वाइडर और बोल्डर, इफ द नैरोअर इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द मैनिफेस्ट पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन, वन शुड अडॉप्ट द वाइडर वन। मतलब अगर एक वर्ड, जैसे एक वर्ड हो गया डैमेज, अब इस डैमेज वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक तो नैरोअर छोटा मोटा डैमेज, एक इसका इंटरप्रिटेशन वाइडर हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग डैमेज भी हो सकता है। तो कहता है हमेशा अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो आप क्या लेते हैं, वाइडर वाला मतलब लेते हैं, सारे बच्चे वाइडर मीनिंग को लेंगे देन नैरोअर मीनिंग। अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक नैरोअर और एक वाइडर, तो कौन सा मतलब आप लोगे, वाइडर वाला मतलब आप लोगे, वाइडर मीनिंग आप लोगे, ठीक है, ओके, नो यू डोंट नीड टू
लर्न द लैटिन प्रिंसिपल बेटा, आपको लैटिन प्रिंसिपल वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके. तो कहता है इफ द नैरोअर इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द मैनिफेस्ट पर्पस ऑफ द लॉ मेकर. लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है बेटा, लॉ मेकिंग बॉडी मतलब लेजिस्लेशन. इफ द नैरोअर इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द पर्पस, अगर नैरोअर इंटरप्रिटेशन से पूरा मतलब जो लॉ मेकर चाहता है, जो लॉ मेकर का इंटेंशन है, अगर लॉ मेकर का इंटेंशन नैरोअर इंटरप्रिटेशन से अचीव नहीं हो रहा तो आप वाइडर इंटरप्रिटेशन देखेंगे. तो बेसिकली अगर एक वर्ड के दो मतलब निकल सकते हैं तो आप कौन से इंटरप्रिटेशन को लोगे, जो वाइडर इंटरप्रिटेशन होगा उसको लोगे, ताकि लॉ मेकर के इंटेंशन को आप क्या कर सको, लॉ मेकर के इंटेंशन को आप अचीव कर सको. अच्छा, और क्या बोलता है ये रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन सिंपल है, कहता है स्टैट्यूट्स आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टैंड इन देयर नेचुरल ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस. कहता है अगर लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, वेग नहीं है, बिल्कुल सर्टेन है, तो आप लॉ का मतलब उसके नेचुरल वर्ड्स का मतलब उनके नेचुरल ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में ही निकालें, प्लेन लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग निकालें, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा. रीड द वर्ड एज दे आर इन देयर नेचुरल ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल सेंस. सिंपल, जो जब जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही रीड करो और कोई इंटरप्रिटेशन मत निकालो. सिंपल. टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस. कहता है एक वर्ड का अगर पॉइंट ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज दैट टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन टेक्निकल सेंस ओनली. अगर कोई वर्ड टेक्निकल है तो उसका टेक्निकल मतलब ही आप क्या लोगे, यूज करोगे. मतलब लेट से एक वर्ड है प्रैक्टिस, यहां पे केस लॉ दिया हुआ है, यूज किया गया वर्ड प्रैक्टिस. लॉयर्स क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस मतलब अपने क्लाइंट के लिए एक्ट भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए अपील वगैरह भी कर सकते हैं, राइट. अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपील वगैरह भी कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस एक टेक्निकल वर्ड है, उसका टेक्निकल मतलब निकल रहा है. तो कहता है अगर एक वर्ड का टेक्निकल मीनिंग निकल रहा है तो उसके वर्ड के टेक्निकल मीनिंग को ही आप लोगे, उसकी डिक्शनरी मीनिंग को नहीं लोगे. जैसे अगर वर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब काम करना, लॉयर जैसे काम करना, ये इसका डिक्शनरी मतलब है. लेकिन टेक्निकल मतलब अगर आप देखें तो क्या निकलता है, लॉयर प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब अपने क्लाइंट के लिए एक्ट कर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ पे अपील वगैरह कर सकता है. तो कहता है अगर पॉइंट ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इज दैट, अगर टेक्निकल वर्ड है तो उसका आप टेक्निकल मतलब ही निकालोगे, उसका डिक्शनरी मीनिंग यूज नहीं करोगे. समझा. सी एजुकेशन बेटा, आप ना अपना स्पैम के चलते ना ब्लॉक हो जाओगे चैनल से, कोई भी वीडियो कभी भी नहीं देख पाओगे. प्लीज मत करो ना ऐसा. नहीं, केस लॉज आपको नहीं याद रखने हैं. तो सारे बच्चे आपको समझ में आ गया है, एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड बेटा पहला रूल जो हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन का पढ़ा, सारे बच्चे आप समझ गए हो. सी एजुकेशन बेटा स्पैम मत करो, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, बिल्कुल स्पैम मत करिएगा, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा. चलिए, ओके. सारे बच्चे आप इसको समझ गए हैं, मतलब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन सारे बच्चे समझ गए. पहला रूल आपके जहन में अच्छे से चला गया, व्हेन द वर्ड्स, आपको क्या याद रखना है, व्हेन द वर्ड्स इन स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट में वर्ड यूज किए हैं, वो वर्ड अगर बिल्कुल क्लियर है, वो वर्ड अगर बिल्कुल वेग नहीं है, क्लियर है, नॉट वेग, कोई भी वर्ड वेग नहीं है, क्लियर है, तो आप उन वर्ड्स का मतलब कैसे निकालोगे, वर्ड्स शुड बी रेड इन देयर ट्रू नेचुरल एंड ग्रामेटिकल सेंस. जो उनका ग्रामेटिकल मतलब निकल रहा है वही आप निकालोगे, कोई दूसरा मतलब नहीं निकालोगे. इवन कोर्ट भी कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता. अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन है, एक वाइडर और एक नैरोअर, तो आप वाइडर इंटरप्रिटेशन लोगे. अगर एक वर्ड का कोई टेक्निकल मीनिंग निकल रहा है तो आप टेक्निकल मतलब ही लोगे. सिंपल है. चलिए, सारे बच्चे समझा गया बेटा. हां जी मैडम. अब आएगा, सारे बच्चे पढ़िएगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. मैडम अगर अब ये क्या है, आपने लिटरल कंस्ट्रक्शन तो पढ़ा, अब रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है. देखो,
अब कह रहा है when, जब, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, अगर कोई वर्ड का जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो लैंग्वेज यूज की गई है लॉ में, उसका अगर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वेग है मतलब कंफ्यूजिंग है, अगर जो लॉ में लैंग्वेज लिखी हुई है, वर्ड्स जो यूज किए गए हैं लॉ में, अगर उनका ग्रामेटिकल मतलब वेग निकल रहा है, देन कोर्ट क्या करेगा, देन कोर्ट शैल इंटरप्रेट, कोर्ट इंटरप्रेट करेगा स्टैट्यूट्स को, मतलब लॉ को। कोर्ट कैसे इंटरप्रेटेट करेगा, टू रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी, इस तरीके से उसे इंटरप्रेट करेगा कि इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व कर दिया जाए, टू रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी इन वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट्स, जो भी वर्ड यूज किए गए हैं स्टैट्यूट्स में, कोर्ट उन्हें इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि उनका इनकंसिस्टेंसी हटाया जाए। वर्ड्स मस्ट बी रेड रीजनेबली, उन वर्ड्स को रीजनेबली रीड किया जाए, मस्ट बी रेड रीजनेबली टू गिव इट्स फुल इफेक्ट, टू गिव द स्टैट्यूट्स इट्स फुल इफेक्ट, ताकि स्टैट्यूट्स का फुल इफेक्ट निकाला जाए। तो बेसिकली क्या बोल रहा है बेटा, ये है आपका रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या, मतलब ये कि जब जो वर्ड्स स्टैट्यूट्स में यूज किए गए हैं, अगर आप उनका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करो, तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अगर वेग है, मतलब अगर हम लॉ को पढ़ रहे हैं और उसका ग्रामेटिकल मीनिंग बिल्कुल कंफ्यूजिंग सा, वेग सा निकल रहा है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है ना, वो इंटरप्रेट करेगा लॉ को इस तरीके से रीजनेबली इंटरप्रेट करेगा कि इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व किया जाए और स्टैट्यूट्स का फुल इफेक्ट, जो लॉ मेकर्स कहना चाहते हैं, उसका फुल इफेक्ट क्या किया जाए, निकाला जाए। सारे बच्चे समझे क्या, सारे बच्चे समझ गए? मैं अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको मिल गया ना, ये पीडीएफ होगा आपके पास, नहीं तो आप अपने स्टडी मैट को ही रेफर करोगे। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड यहां पे दिया गया है, इसका मतलब है वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एज टू लीड टू सेंसिबल मीनिंग। कहते हैं स्टैट्यूट्स को इस तरीके से पढ़ो कि उसका कोई सेंसिबल मीनिंग तो निकले, मतलब अगर उसका ग्रामेटिकल मीनिंग बिल्कुल वेग है, तो आप स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट, लॉ को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि उसका कोई सेंसिबल मीनिंग निकले। अब अगर किसी चीज को पढ़कर उसका ग्रामेटिकल मतलब बिल्कुल ही वेग है, एकदम ही क्लियर नहीं है, तो आप उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे कि उसका कोई सेंसिबल मतलब निकाला जाए। ठीक है, ओके। कहता है कोर्ट शैल इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स, कोर्ट इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा कि किसी भी इनकंसिस्टेंसी को हटाया जाए और एक पूरा मतलब निकाला जाए। तो ये क्या कह रहा है, सुनना, व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू सर्टेन एब्सर्डिटी, अगर आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हो स्टैट्यूट की और उस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो इट इज परमिसेबल, तो ये अलाउड है कि आप उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करें इंटरप्रिटेशन के लिए, डिपार्ट फ्रॉम द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। इट इज परमिसेबल ओनली टू द एक्सटेंट इट अवॉइड्स एब्सर्डिटी, आप कितना ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करेंगे, उतना डिपार्ट करेंगे जिससे कंफ्यूजन को हटाया जा सके। दिस इज अ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सारे बच्चे समझ में आ गया? तो दिस इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या, मैं वापस से लिखती हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सारे बच्चे इसको और क्लियरली समझने के लिए मैं स्क्रीन पे फिर से लिखती हूं, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब लॉ का अगर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स इन एम्बिग्विटी, मतलब अगर आप उसकी प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग देख रहे हो तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लॉ मेकर्स क्या कहना चाह रहे हैं या लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या है, रिजल्ट्स इन एम्बिग्विटी, देन आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन कैन बी डन बाय डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग। तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे,
आप इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे कि आप उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करो. इंटरप्रिटेशन कैन बी डन बाय डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग. जो भी ग्रामर के हिसाब से कहा जा रहा है उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से क्या करें, आप डिपार्ट करके उसका इंटरप्रिटेशन करें, ताकि आप क्या अवॉइड कर सके, टू अवॉइड एब्सर्डिटी एंड सेंसिबल इंटरप्रिटेशन हो सके. सेंसिबल रीजनेबल मतलब निकाला जा सके. सारे बच्चों को समझा, सेंसिबल रीजनेबल मीनिंग निकाला जा सके. एवरीबडी समझ में आ गया? मंजू बेटा क्या पूछ रहे हो यार, डिपार्चर मतलब क्या, हटना, डिपार्ट करना. सारे बच्चे समझ गए? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या कहता है, अगर ग्रामेटिकल मीनिंग से बिल्कुल कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं तो आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे. आप इंटरप्रिटेशन करेंगे उसका ग्रामेटिकल मीनिंग ना देखकर, डिपार्टिंग फ्रॉम द ग्रामेटिकल मीनिंग, ताकि एब्सर्डिटी को हटाया जा सके और कोई सेंसिबल रीजनेबल मीनिंग निकाला जा सके. एवरीबडी समझ गया क्या? अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा हो सकता है कभी नहीं पढ़ा अगर आपने ये अदर लॉज तो आपको थोड़ी दिक्कत आए, अगर आपने एक बार भी पहले पढ़ा हुआ है तो आपको सब याद आ जाएगा. दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. नाम ही सजेस्ट करता है यार, अगर आप इस रूल को पढ़ते हो मतलब कंस्ट्रक्ट करो रीजनेबली ताकि स्टैट्यूट्स का मतलब निकाला जा सके. अब ग्रामेटिकल मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करोगे कि उसका एक सेंसिबल मतलब निकले. यू विल डिपार्ट फ्रॉम द ग्रामेटिकल मीनिंग टू रिड्यूस एब्सर्डिटी एंड टू रिड्यूस द एब्सर्डिटी एंड लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग. परफेक्ट. ओके चलिए, परफेक्ट बेटा जी. तो ये हो गया रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. अब रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कहता है जब दो प्रोविजंस एक एक्ट के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कहता है द रूल इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट. मतलब लॉ में, लेट से एक पर्टिकुलर एक्ट में दो प्रोविजंस लिखे हुए हैं और वो दो प्रोविजंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. कहता है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड द ऑब्जेक्ट विच द लेजिस्लेचर हैड इन व्यू. लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी. कहता है व्हेन देयर आर एनएक्टमेंट्स, जब एक स्टैट्यूट में दो या दो से ऐसे कोई दो प्रोविजन या हो सकता है दो से ज्यादा प्रोविजन हो जो एक दूसरे के साथ रिकनसाइल ना करे, जो एक दूसरे से क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट करते हो, तो उनका इंटरप्रिटेशन आप कुछ इस तरीके से करोगे कि सबका मतलब निकाला जाए. वेयर एवर पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम. मतलब बेटा अगर दो या दो से ज्यादा प्रोविजन एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट के, मतलब लॉ के दो या दो से ज्यादा प्रोविजन, लेट्स से कंपनीज एक्ट में दो चीजें लिखी हुई है जो एक दूसरे से क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो आप फिर कैसे इंटरप्रेट करोगे? आप कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे कि दोनों प्रोविजंस में हार्मनी लाई जाए और दोनों का, कोर्ट का ये ड्यूटी है कि दोनों प्रोविजंस को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि दोनों में हार्मनी लाई जाए, मतलब दोनों का फुल इफेक्ट लाया जाए इस तरीके से. तो कहता है इट इज द बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. If it is possible to avoid a conflict between two provision on a paper, proper construction. कहता सबसे पहले तो कोर्ट ये ट्राई करेगा कि अगर दो provisions एक दूसरे से बिल्कुल contradict करते हैं, conflict करते हैं, तो उनका interpretation कुछ इस तरीके से हो कि दोनों को full effect दिया जाए, मतलब दोनों को इस तरीके से interpret किया जाए to bring harmony with each other, एक दूसरे के साथ peace, एक दूसरे के साथ harmony लाई जाए. ठीक है मैम, क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत डेंजरस क्वेश्चन आता है? नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, ये रूल क्या होता है, वो रूल क्या होता है, बस ऐसा क्वेश्चन आता है, बट बच्चे पढ़ के नहीं जाते इसलिए डेंजरस लग जाता है. ठीक है, तो कहता है देखो सिंपल, तो मेरे को बताओ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सारे बच्चे इसको सुनेंगे. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब अगर दो प्रोविजंस, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब व्हेन दो, टू और मोर प्रोविजंस, दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट किसी भी लॉ के व्हेन टू और मोर प्रोविजंस ऑफ द
स्टैट्यूट व्हेन दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इनको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? इट शैल बी इंटरप्रेटेड, आप उसे कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, टू गिव इफेक्ट टू, टू गिव इफेक्ट, टू गिव इफेक्ट टू ऑल दी प्रोविजंस, मतलब इस तरीके से उसका मतलब निकाला जाए कि सबका सबका जो पूरा मतलब निकल रहा है, टू गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस का कुछ ना कुछ इफेक्ट से आप करें, मतलब बेसिकली टू गिव इफेक्ट टू ऑल द सारे प्रोविजंस का, मतलब किसी एक को आगे रख के किसी एक को पीछे रख के नहीं, जब दो एक दूसरे दो प्रोविजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो आप उनको इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से करो कि मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, टू गिव इफेक्ट, सबका इफेक्ट आ जाए, टू गिव इफेक्ट टू ऑल द प्रोविजन। तो कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती है? कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की ये ड्यूटी है टू रीड देम इन अ वे, इस तरीके से उन्हें इंटरप्रेट करे, टू ब्रिंग हार्मनी, ताकि हार्मनी लाई जाए विद ईच अदर, टू ब्रिंग हार्मनी विद ईच अदर, मतलब इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करो कि दोनों प्रोविजंस जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करो कि मिडिल ग्राउंड खोजा जाए, टू गिव हार्मनी, दोनों के बीच में पीस हार्मनी लाई जाए, दोनों प्रोविजन जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि दोनों में हार्मनी लाई जाए, मतलब कुछ मिडिल ग्राउंड निकालो ताकि दोनों का इफेक्ट आ जाए, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अब ये क्या बोलता है, आगे बढ़िएगा, कहता है लेकिन अगर मान लो हार्मनी लाना पॉसिबल नहीं है, कोई मिडिल ग्राउंड निकल ही नहीं रहा है, बट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव बोथ, टू गिव इफेक्ट टू बोथ द प्रोविजंस हार्मोनियसली, कहता है लेकिन अगर मान लो मिडिल ग्राउंड निकल ही नहीं रहा, दोनों प्रोविजन इतना कॉन्ट्रेडिक्टरी है एक दूसरे के साथ कि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, तो कहता है अगर कल्यूजन है, कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट को आप कैसे अवॉइड करोगे? एक सेक्शन जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है दूसरे से, एक को आप एक्सेप्शन ट्रीट कर लो, एक को आप एक्सेप्शन, लॉ में आप एक्सेप्शंस पढ़ते रहते हो क्या कि ये चीज ऐसे होगी पर इस सिनेरियो में नहीं होगी? तो एक कहता है अगर दो प्रोविजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करो, टू ब्रिंग हार्मनी टू बोथ, टू गिव इफेक्ट टू बोथ द प्रोविजंस, बट अगर मान लो इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है कि हार्मनी लाई नहीं जा रही तो एक को फिर एक्सेप्शन ट्रीट कर लो, वन सेक्शन जो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, ट्रीट वन एज एन एक्सेप्शन, तो एक को आप एक्सेप्शन ट्रीट करें, ठीक है? ओके, सारे बच्चे समझ में आ गया? कहता है वैसे तो देखो इंटरप्रेट ऐसे करो कि दोनों का फुल इफेक्ट निकल के आए, पर अगर आपको लग रहा है कि भैया दोनों का फुल इफेक्ट तो लाना पॉसिबल ही नहीं है तो आप फिर एक को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करो। लॉ में हम एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ते हैं क्या? तो कहता है देन वन सेक्शन विच इज इन कॉन्फ्लिक्टिंग विद अनदर मियरली प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन। तो कहता है एक सेक्शन जो कॉन्फ्लिक्ट करता है दूसरे सेक्शन से, आप उसे क्या मानोगे? एक्सेप्शन मानोगे, ठीक है? ओके, और आपको ये तो पता ही है स्पेसिफिक रूल ओवरराइड्स द जनरल रूल। जैसे बैंकिंग कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है और बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट भी लगता है। कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है। तो कहता है स्पेसिफिक एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड द जनरल एक्ट, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हुई, इंश्योरेंस कंपनी हुई, इनके अपने स्पेसिफिक एक्ट है पर इनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है। तो अगर कंपनीज एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? स्पेसिफिक एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल द जनरल एक्ट, ठीक है? कहता है अगर मान लो लॉ में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, स्टैट्यूट्स में गिव क्लियर इंडिकेशन टू विच द प्रोविजन इज सबसर्वेंट एंड विच ओवरराइड्स। कहता है अगर लॉ के अंदर ये वर्ड यूज किए हुए हैं सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू वर्ड का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू, अगर आपने पढ़ा है क्या कई बार कोई प्रोविजन कैसे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट टू से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट टू मतलब क्या होता है? अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर दिस, अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर दिस, मतलब अगर कोई प्रोविजन में कोई दूसरी बात बोली गई है तो वो प्रिवेल करेगा। सब्जेक्ट टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्रोविजन सब्जेक्ट टू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर कोई दूसरा एक्ट, अगर कोई दूसरा प्रोविजन कोई दूसरी बात बोले तो फिर वो प्रिवेल करेगा। दैट विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर, लेटर विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। कहता है अगर कोई प्रोविजन स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग से, तो अगर वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है तो मतलब बाढ़ में गया कि दूसरे प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है,
दिस विल प्रिवेल ओवर द अदर्स, दिस प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द अदर्स। कहता है अगर कोई देखो, कहता है या तो देखो स्टैट्यूट्स में क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ हो, प्रोविजंस में, कहता है या तो देखो स्टैट्यूट्स में गिव क्लियर इंडिकेशन, या तो लॉ में क्लियरली इंडिकेशन दिया हुआ हो। कहता है प्रोविजंस अगर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट टू से, इसका मतलब अगर एक्ट में कोई दूसरी जगह कोई दूसरी बात लिखी हुई है तो वो प्रिवेल करेगा, ये होता है सब्जेक्ट टू का मतलब। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये प्रिवेल करेगा सबके ऊपर, नॉटविथस्टैंडिंग मतलब बाढ़ में गया सब कुछ, ये सबके ऊपर प्रिवेल करेगा। कहता है अगर स्टैट्यूट्स में क्लियर इंडिकेशन दी हुई है, प्रोविजंस में अगर सब्जेक्ट टू नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड्स ऐड किए हुए, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है। पर अगर ये वर्ड्स यूज नहीं किए हुए हैं और अगर दो प्रोविजंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, आप ऐसा मतलब निकालो कि दोनों का फुल इफेक्ट निकल कर आए, टू ब्रिंग हार्मनी। बट अगर हार्मनी नहीं ला जा सकती तो एक को एक्सेप्शन ट्रीट किया जाएगा। सारे बच्चे समझा क्या? एवरीबडी समझा गया? एवरीबडी समझा? कोई भी बच्चा? तो रूल ऑफ, आपने तीन रूल्स अभी पढ़े, आपने अभी पढ़े बेटा। एक दूसरे को ज्ञान नहीं, यहां पे देख लो हैं, एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हो बैठ के, यहीं पे समझ लो खुद का कुर्सी की पेटी पहले खुद की पहले बांधे, दूसरों की बांधने से पहले खुद पहले समझ लो फिर बातें करो। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा सबसे पहले, फिर आपने क्या पढ़ा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन वर्ड्स आर क्लियर, जब वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, वेग नहीं है, रीड द वर्ड एज दे आर, जैसा लिखा है उसे वैसे ही पढ़ो, ज्यादा माथा मत लगाओ, रीड द वर्ड एज दे आर, सिंपल लैंग्वेज, ओके। लॉ को जैसा लिखा है उसके ट्रू ग्रामेटिकल मतलब में ही पढ़ो। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब व्हेन वर्ड्स आर नॉट क्लियर, जब वर्ड्स क्लियर नहीं है, जब वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है, तो आप उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करो, डिपार्ट फ्रॉम इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग, डिपार्ट फ्रॉम इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग, उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करो ताकि एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन किया जा सके, टू गिव फुल इफेक्ट टू द स्टैट्यूट्स। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब कहता है अगर कोई प्रोविजन के अंदर सब्जेक्ट टू या नॉट विदस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू या नॉट विदस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया कौन किस पे प्रिवेल करेगा। लेकिन ये वर्ड अगर नहीं लिखे हुए हैं तो फिर आप कैसे करोगे? तो कहता है अगर ये वर्ड नहीं लिखे हुए हैं तो आप कैसे करोगे? तो अगर दो प्रोविजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो आप क्या करोगे? ये दो प्रोविजन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जाए टू गिव फुल इफेक्ट टू बोथ ऑफ देम, ठीक है? चलिए, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया, ये तीनों रूल्स जो है समझ में आ गए। आगे बढ़ेंगे बेटा। पर अगर मान लो दोनों इतने कॉन्फ्लिक्टिंग है कि यू कैनॉट ब्रिंग हार्मनी, देन वन शैल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन टू अनदर, ठीक है? आगे, रूल ऑफ हेडन्स केस और मिसचीफ रूल। मैडम ये कौन सा रूल है? रूल ऑफ हेडन्स केस, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसचीफ रूल भी कहते हैं। रूल ऑफ हेडन्स केस और मिसचीफ रूल, मैडम ये कौन सा रूल है, आप अब हमें ये बताइए। रूल ऑफ हेडन्स केस, जिसे मिसचीफ रूल भी कहा जाता है। मुझे एक बात बताओ, पहले हमारे क्या था, वैट था, वैट में डबल टैक्सेशन होता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए कौन सा लॉ लाया गया, जीएसटी का लॉ लाया गया। पहले वैट था हमारे कंट्री में, वैट लगता था, हाँ, अब वैट को, वैट में क्या था, डबल टैक्सेशन हो जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, तो वैट को हटा के क्या लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। तो इन हेडन्स केस, सबसे पहले यहां से पढ़ेंगे, हेडन्स केस इट वॉज लेड डाउन बाई द जजमेंट दैट For the true and the sure interpretation of all statutes, अगर आपको लॉ का ट्रू इंटरप्रिटेशन करना है तो कहता है आपको चार चीजों को देखना जरूरी है। कहता है किसी भी
किसी भी स्टैट्यूट का, मतलब किसी भी लॉ का अगर आपको ट्रू या प्योर सेंस में इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको ये चार चीजें देखना है। जैसे अगर आपको मान लो जीएसटी जो है उस लॉ को बहुत अच्छे से समझना है तो हेडन्स केस में बोला गया आप ये चार चीजें देखें। क्या चार चीजें आप देखेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, मतलब जीएसटी से पहले क्या था, व्हाट वाज द ओल्ड लॉ, आप ये देखोगे। ओल्ड लॉ में क्या डिफेक्ट्स थे, ओल्ड लॉ में क्या हार्डशिप थी वो देखेंगे, मतलब ओल्ड लॉ क्या था, ओल्ड लॉ में क्या डेफिशिएंसी थी, क्या डिफेक्ट थे, क्या मिसचीफ था। हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये जो नया लॉ आया है ये कैसे रिजॉल्व करेगा, कैसे डिफेक्ट्स को दूर करेगा, नया जो लॉ आया है हाउ विल इट रिजॉल्व द डिफेक्ट्स और हाउ विल इट रिजॉल्व द डेफिशिएंसीज, ये पढ़े। एंड व्हाट वाज द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, ये रेमेडी क्यों लाई गई, व्हाट वाज द ट्रू रीजन क्या है रेमेडी का। तो बेसिकली हेडन्स केस क्या कहता है फॉर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, हेडन्स केस क्या कहता है बेटा, हेडन्स केस क्या कहता है, कहता है कि अगर आपको ट्रू इंटरप्रिटेशन करना है किसी भी स्टैट्यूट का, अगर आपको ट्रू इंटरप्रिटेशन करना है किसी भी स्टैट्यूट का तो आप क्या देखोगे, कहता है आप चार चीजें देखोगे। हेडन्स केस अगर एग्जाम में पूछा जाता है हेडन्स केस क्या कहता है, हेडन केस लेज डाउन दैट फॉर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, एक स्टैट्यूट को सच्चे तरीके से अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो आपको चार चीजें कंसिडर करनी है, फोर थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। क्या, इससे पहले कौन सा लॉ था, व्हाट वाज द ओल्ड लॉ, मतलब लॉ अर्लियर टू दिस लॉ, इस लॉ से पहले कौन सा लॉ था, व्हाट वाज द लॉ अर्लियर टू दिस लॉ, फिर ओल्ड लॉ के अंदर ओल्ड लॉ में क्या डेफिशिएंसीज थी, ओल्ड लॉ में क्या डिफेक्ट्स थे, ओल्ड लॉ में क्या खामियां थी वो देखो। फिर आप ये देखोगे जो न्यू लॉ है वो क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से रिजोल्व कर रहा है रेमेडी को, डिफेक्ट को, एंड व्हाट इज द ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी, ये रेमेडी की क्यों जरूरत है, ट्रू रीजन फॉर रेमेडी, रेमेडी क्यों लाई गई, व्हाट वाज द ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी। तो ये हेडन्स केस है, हेडन्स केस कहता है अगर आपको किसी स्टैट्यूट को पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे इससे पहले क्या लॉ था, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दिस एक्ट, इस एक्ट के जीएसटी एक्ट आने से पहले पुराना लॉ क्या था, उस व्हाट वाज द डिफेक्ट, व्हाट वाज द हार्डशिप इन द अर्लियर लॉ, पिछले वाले लॉ में क्या हार्डशिप थी, ये जो जीएसटी एक्ट है what remedies do the new law provide, new law क्या remedies को provide कर रहा, how is it providing the cure और how is it resolving the defects and what are the true reasons for the remedy, remedy क्यों लाया गया, true reason क्या है। तो कहता है Hayden's case कहता है अगर आपको true या sure sense में interpretation करना है तो इन चार चीजों को आपको consider करना है, ये है Hayden's case, ठीक है, okay। old law क्या था, old law में क्या defects थे, नया law क्या डिफेक्ट्स, किस तरीके से डिफेक्ट्स को क्योर कर रहा है, किस तरीके से डिफेक्ट्स को रिजॉल्व कर रहा है, और क्यों, मतलब ट्रू रीजन क्या है, रेमेडी लाने का रीजन क्या है, वो आपको देखना है। और एक और चीज कहता है व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट, जो भी भाषा यूज की गई है लॉ बनाने में, अगर उस भाषा का एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो भी लैंग्वेज यूज की गई है अगर उस लैंग्वेज का एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है तो द मोर Most firmly established rule of construction is the principle laid down in the Hayden's case. मतलब क्या? The intention of the rule is to make such construction as the law suppresses the mischief and advances the remedy. मतलब अगर जो language लिखी हुई है statute में, अगर उस language से दो interpretation निकल के आ रहे हैं, तो आप कौन सा interpretation लोगे? वो जो ज़्यादा firm हो. The most firm interpretation shall be used. ठीक है? Okay. सारे बच्चे हेडन्स केस समझ में आ गया? ओके। अगर प्रेजेंट लॉ के अंदर कोई कंफ्यूजन होगा तभी आप पुराने लॉज को देखोगे, वरना नहीं। ओके। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, सारे बच्चे आप इंटरप्रिटेशन के पास क्यों आते हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि लॉ मेकर्स क्या कहना चाह रहे हैं, लॉ मेकर्स ने जो लैंग्वेज यूज की है उस लैंग्वेज से आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, तब आप इंटरप्रिटेशन के पास जाते हो। अगर सब पढ़कर समझ में आ रहा है तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, सारे बच्चे अब मैं इसको आपको लिख के समझाती हूं।
सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। मैडम ये क्या रूल है? कहता है देखो, व्हेन, जब, ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन टू कंस्ट्रक्शंस आर रीजनेबली पॉसिबल, मतलब एक स्टैट्यूट के दो कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो जो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन शैल बी टेकन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आप दोगे किसको? स्टैट्यूट को। क्यों? क्यों? टू इंप्रूव द कंडीशन, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, हु आर अंडर प्रिविलेज्ड और नॉट ट्रीटेड फेयरली इन पास्ट। मतलब कोई लॉ अगर कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस पे लगता है, हमारे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको पास्ट में उतना ज्यादा फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है, कहता है अगर कोई लॉ उन पे लगता है और उस लॉ के दो कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है, तो कहता है आप कौन सा कंस्ट्रक्शन लोगे? आप वो कंस्ट्रक्शन लोगे जो ज्यादा बेनिफिशियल हो, ताकि उन लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जिन्हें पास्ट में ठीक से ट्रीट नहीं किया गया। बेसिकली ये जो रूल है ना बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का, बेटा ये रूल नहीं है, ये मेथड है, एक तरीका है, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का। दिस इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स लिबरली, ताकि स्टैट्यूट्स को लिबरली थोड़ा छूट देके लिबरली कंस्ट्रक्ट किया जाए। समझा? तो यहां पे अगर हम आएंगे तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? सबसे पहले कहता है ये रूल नहीं है, ये एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का, किसी भी प्रोविजन को लिबरली इंटरप्रेट करने का तरीका। लिबरली मतलब थोड़ा छूट देके इंटरप्रिटेशन करना। कहता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक रूल नहीं है, ये एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है इंटरप्रिटेशन का, एक प्रोविजन को ज्यादा लिबरली इंटरप्रेट करने का। लिबरली मतलब थोड़ा छूट देके। कहता है जब एक स्टैट्यूट के दो कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो जो ज्यादा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हो, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन दो आप एक स्टैट्यूट को, क्यों? ताकि आप इंप्रूव कर सको कंडीशन उन लोगों की जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिन्हें पास्ट में फेयरली ट्रीट नहीं किया गया है। व्हेन टू कंस्ट्रक्शंस आर रीजनेबली पॉसिबल, जब एक स्टैट्यूट के दो कंस्ट्रक्शन निकल सकते हैं, तो आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन दोगे ताकि इंप्रूव की जा सके कंडीशन उन लोगों की जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जिन्हें पास्ट में ठीक से ट्रीट नहीं किया गया। ये एक रूल नहीं है, ये एक तरीका है प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने का लिबरल तरीके से, थोड़ा छूट देके। सारे बच्चे समझे क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड या बेटा? सारे बच्चे मुझे यहां पे बताएंगे आपको रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। आपने अभी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ा, आपने उसके बाद हेडन्स रूल को भी पढ़ा, रूल ऑफ आपने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ा। क्या ये सारी चीजें, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ा, क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रही है? अगर एक लॉ किसी वीकर सेक्शन पे लग रहा है और उस लॉ के दो कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो आप वो कंस्ट्रक्शन लो जो बेनिफिशियल हो उन लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, है ना? हां जी मैडम, समझ में आ गया मैडम। चलिए जी, तो ये हो गया बेटा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। मतलब रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन मैडम क्या कहता है?
रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये कहता है स्टैट्यूट्स लॉ को कंस्ट्रूड करो, मतलब लॉ का वही मतलब निकालो जो उसका सेंसिबल मीनिंग निकलता है इफ पॉसिबल. मतलब कहता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कहता है कि लॉ में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, लॉ के अंदर जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका जो मतलब निकलता है उनका वही मतलब निकालना चाहिए. स्टैट्यूट्स मस्ट बी कंस्ट्रूड, मतलब स्टैट्यूट्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड. स्टैट्यूट्स का वही मतलब निकालो जिससे उसका सेंसिबल मतलब निकले, ठीक है. पर कहता है नॉट विदस्टैंडिंग द जनरल रूल दैट फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड. कहता है लॉ में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है एक एक वर्ड का पूरा फुल इफेक्ट निकलना चाहिए. कहता है लॉ में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है एवरी वर्ड मस्ट बी गिवन फुल इफेक्ट. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, लॉ के अंदर एक एक शब्द जो लगा हुआ है, एक एक शब्द जो लॉ में लिखा हुआ है उसका पूरा मतलब निकलना चाहिए, फुल इफेक्ट. अगर लॉ मेकर्स ने एक वर्ड को लिखा है लॉ में तो उस वर्ड का फुल इफेक्ट निकलना चाहिए. इफ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी गिवन टू द वर्ड, पर अगर वर्ड का कोई सेंसिबल मतलब निकल ही नहीं रहा, अगर वर्ड का कोई सेंसिबल मतलब निकल ही नहीं रहा या वर्ड का कुछ ऐसा मतलब निकल रहा है जो जो एनैक्टमेंट के रियल ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर रहा है. कहता है वैसे तो रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कहता है एवरी वर्ड शैल बी गिवन फुल इफेक्ट, लॉ में एक एक शब्द का पूरा इफेक्ट निकले. बट अगर मान लो एक वक्त एक वर्ड का कोई सेंसिबल मतलब नहीं निकलता या एक वर्ड का मतलब कुछ ऐसा निकल रहा है इट इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ, पूरे के पूरे जो एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो डिफीट हो रहा है, तो उस वर्ड को एलिमिनेट कर दो, तो उस वर्ड को हटा दो, तो उस वर्ड को रीड मत करो, उसका इफेक्ट मत दो. तो मतलब क्या बोलता है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, मैं यहां पे लिखती हूं एक मिनट. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि एवरी वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट्स, एक एक वर्ड जो स्टैट्यूट में यूज किया गया है, एवरी वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट शैल बी गिवन फुल इफेक्ट, हर एक वर्ड का पूरा इफेक्ट निकल के आना चाहिए. अगर लॉ मेकर ने एक वर्ड डाला है लॉ में तो उसका पूरा इफेक्ट निकल के आना चाहिए, अनलेस क्या बोला है, unless there is no sensible meaning, unless कि उसका कोई अगर मतलब ना निकल रहा हो, अगर उसका कोई sensible meaning नहीं निकल रहा है, unless उसका कोई sensible meaning नहीं निकल रहा, no sensible meaning, या फिर जो word है defeat कर रहा है, defeating the real object of statute, अगर ये word जो है वो स्टैट्यूट के रियल ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा है या उस वर्ड से कोई सेंसिबल मतलब निकल के नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट कर दो इस वर्ड को, फिर उसका पूरा मतलब नहीं निकालो, एलिमिनेट द वर्ड. कहता है अनलेस की वर्ड हैज नो सेंसिबल मीनिंग, अगर वर्ड का कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं है या वर्ड इज डिफीटिंग द रियल ऑब्जेक्ट देन द वर्ड शैल बी एलिमिनेटेड. तो वर्ड शैल बी, तो आप वर्ड को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे. समझ में आ गया, ओके सारे बच्चे, ओके समझ में आ गया, ओके. अब यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहता है देखो जो वर्ड एंड है, एंड एक को ज्वाइनिंग वर्ड है, एक कंजक्टिव वर्ड है. अगर ये लिखा होता है ए एंड बी, मतलब क्या बोलता है, ए एंड को ज्वाइन करता है, एंड एक को ज्वाइनिंग वर्ड है, मतलब एंड मतलब कंजक्टिव वर्ड है, ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है. पर ये जो और वर्ड है ये डिसजंक्टिव वर्ड है, मतलब और अगर ए और बी लिखा हुआ है, मतलब इधर ए और इधर बी, इधर दिस और इधर दैट. कहता है ये जो वर्ड एंड है, एंड दो वर्ड्स को जोड़ता है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये एक कंजक्टिव वर्ड है, ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है. वैसे जो और वर्ड है वो बोलता है इधर दिस और इधर दैट, या तो ये या तो वो. तो और का वर्ड ये डिसजंक्टिव वर्ड है, पर कई बार कहता है एंड को आप और जैसे भी पढ़ते हो, और को आप एंड जैसे भी पढ़ते हो, पर कई बार हालांकि इनका मतलब अलग अलग है. एंड जो है नॉर्मली एक को ज्वाइनिंग वर्ड है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करता है, इट्स अ कंजक्टिव वर्ड.
और इज अ डिसजंक्टिव वर्ड, बट कभी कभी एंड इज रेड एज और, कभी कभी आप एंड को और जैसे पढ़ते हो या और को एंड जैसे पढ़ते हो, ताकि लॉ का, लॉ मेकर्स के इंटेंशन का पूरा इफेक्ट दिया जा सके. मैडम मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताना, लेट्स से आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो और उसमें पेनल्टी में ऐसा लिखा हुआ है फाइन फाइव थाउजेंड एंड जेल 1 year एंड बोथ. मतलब क्या लिखा हुआ है, 5,000 रुपए का फाइन लगेगा एंड जेल भी होगी 1 year की एंड बोथ भी होगा. तो मुझे एक बात बताओ, एंड बोथ का मतलब क्या है? फाइन भी लगेगा, जेल भी लगेगा, मतलब फाइन भी होगा जेल भी होगा. मुझे एक बात बताओ, यहां पे फाइन भी होगा जेल भी होगा एंड बोथ भी लिखा हुआ है. तो मुझे एक बात बताओ, एंड बोथ भी हो सकता है. तो मुझे बताओ, ये जो वर्ड है एंड, इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है यहां पे? मतलब दोनों भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है. तो लॉ मेकर्स ने गलती से यहां पे क्या वर्ड यूज कर दिया, एंड. तो आप एंड को कैसे रीड करोगे, और जैसे रीड करोगे. मतलब या तो हो सकता है फाइन हो, या तो हो सकता है जेल हो, या हो सकता है दोनों हो. अब मुझे एंड का कोई मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या? तो कहते हैं कई बार ऐसा हो सकता है, एंड का मतलब अलग है और का मतलब अलग है, पर एंड को आप और जैसे रीड करो और को आप एंड जैसे रीड करो. लॉ बनाने वाले लोग भी तो ह्यूमन बींग्स है ना, इंसान है, उनसे गलती हो सकती है. तो कहते हैं कई बार आप वर्ड को वाइस वर्सा पढ़ते हो, क्योंकि यहां पर एंड का कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रहा. नो सेंसिबल मीनिंग. क्या एंड लिख के कोई सेंसिबल मतलब निकल रहा है? क्योंकि बोथ तो लिखा हुआ ही है ना, तो यहाँ पे एंड लिख के क्या मतलब निकल रहा है? कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, कोई भी सेंसिबल मतलब नहीं निकल रहा. तो सेंसिबल मतलब के लिए आप एंड को क्या पढ़ोगे, और जैसे पढ़ोगे, या अगर वाइस वर्सा पढ़ोगे, ताकि लॉ मेकर के इंटेंशन का फुल इफेक्ट दिया जा सके. समझ में आ गया? वेरी गुड. वैसे ही अब ये 3 words होते हैं, मे शैल मस्ट. आपने लॉ में देखा होगा ये वर्ड यूज किए हुए. मे मतलब क्या है? ऑप्शन दे रहे हो आप, ऑप्शनल है. आप ये जैसे कंपनी में मेंटेन अ कॉमन सील, मतलब कंपनी चाहे तो कंपनी कॉमन सील को मेंटेन कर सकती है. शैल कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी वर्ड है. शैल, कंपनी शैल डू दिस, कंपनी शैल फाइल दी फॉर्म विद आरओसी. शैल एक मैंडेटरी वर्ड है. अगेन मस्ट बी एक मैंडेटरी वर्ड है. पर कई बार क्या होता है, मे को आप शैल जैसे भी पढ़ते हो, या शैल को आप मे जैसे भी पढ़ते हो, या मस्ट को आप मे जैसे पढ़ते हो ऑप्शनल सेंस में. तो कहता है ठीक है, वही बात यहां पे दी गई है. मे वर्ड मतलब क्या है? मे मतलब परमिशन दी गई है आपको, अथॉरिटी नहीं है, मतलब ये कोई कमांड नहीं है. मे मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, राइट. वैसे ही कहता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप मे को मैंडेटरी सेंस में रीड करें, मतलब मे को आप शैल जैसे रीड करें. वैसे ही कहता है शैल मतलब एक, शैल एक कमांडिंग वर्ड है, मतलब शैल मतलब मैंडेटरी. तो कहता है कई बार जहां पे शैल यूज किया गया है, आप शैल को कैसे रीड करोगे, कि शैल किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस सर्कमस्टांस में लिखा गया है. मतलब शैल को आप मे जैसे भी रीड कर सकते हो, डिपेंडिंग शैल का मतलब आप कैसे निकालोगे, कि शैल को किस कॉन्टेक्स्ट में और किस सर्कमस्टांस में यूज किया गया है. सारे बच्चे समझे क्या बेटा? एवरीबडी समझा गया? सारे बच्चे समझा गया? मतलब वैसे रूल ऑफ ये जो एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये कहता है, वर्ड्स को आप ऐसे इंटरप्रेट करो कि उनका फुल इफेक्ट निकल कर आए. लेकिन अगर कुछ वर्ड्स का कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रहा, या वर्ड्स डिफीट कर रहे हैं द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो भी लॉ का रियल ऑब्जेक्ट है, स्टैट्यूट का रियल ऑब्जेक्ट अगर वर्ड्स डिफीट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे एंड और को आप वाइस वर्सा यूज कई बार पढ़ा जाता है, वैसे ही मे शैल मस्ट. मे एक ऑप्शनल वर्ड है, शैल एक मैंडेटरी वर्ड है, मस्ट भी डाउटलेसली एक कमांडिंग, एक मैंडेटरी वर्ड है. लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स को यूज किए गए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड्स शैल अकर्स एंड अदर सर्कमस्टेंसेस. ठीक है,
सारे बच्चे समझ में आ गया? एंड हॉस्टेलर, बेटा आपने मेरे से क्लास ली है तो मैंने क्लास में नोट्स बनाए हैं बेटा, क्या कर रहे हो? डोंट स्पैम यार, यार आप क्यों ब्लॉक होना चाहते हो? मैं ब्लॉक नहीं करना चाहती, प्लीज क्लास में आप आकर ये स्पैमिंग मत करें, ठीक है? अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, और मैं ब्लॉक नहीं करना चाहती यार। बच्चों मेरे को ब्लॉक नहीं करने का यार किसी को भी। सारे बच्चे यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? सारे बच्चे यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल्स में हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए। एक बात देखो, आपने इतने सारे रूल्स पढ़े अभी, रूल आपने लिटरल कंस्ट्रक्शन का पढ़ा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हेडन्स केस। हेडन्स केस कहता है पुराना लॉ देखो, पुराने लॉ में क्या डिफेक्ट थे, नया लॉ क्या रेमेडी लाया, ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है कि आप लॉ को इस, अगर एक लॉ के दो मतलब निकल के आते हैं, अगर एक लॉ मतलब एक स्टैट, आप कोई भी मान लो प्रोविजन पढ़ रहे हो, अगर उसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन दिया जाए स्टैट्यूट को, ताकि इंप्रूव की जाए सिचुएशन सोसाइटी के उन लोगों की जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनको पास्ट में फेयरली ट्रीट नहीं किया गया। लॉ ऑफ रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? हर वर्ड का पूरा मतलब दिया जाए, अनलेस की वर्ड का कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकलता, या अनलेस की वर्ड पूरे के पूरे लॉ के ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर दे, तो ऐसे वर्ड को एलिमिनेट किया जाए। रूल ऑफ एजस्डम जेनरिस, आजा आजा बेटा, कोई बात नहीं बेटा। एंड हॉस्टेलर, एक तो ऐसा ऐसा नाम लिख देते हो, प्रोनंसिएशन मेरे से हो नहीं रही उसकी है। चलिए, रूल ऑफ एजस्डम जेनरिस क्या कहता है? सारे वर्ड मेरी क्लास में सारे वो जो स्पैमर लोग होते हैं ना, फिर मैं उन लोगों को ब्लॉक नहीं करती हूँ ना, तो स्पैमर लोग को गिल्टी फील हो जाता है कि यार क्यों ही स्पैम किया हमने, है ना? चलिए ओके, रूल ऑफ एजस्डम जेनरिस सबका फेवरेट होगा। रूल ऑफ एजस्डम जेनरिस, मैडम थैंक यू मानसी, सो स्वीट ऑफ यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। रूल ऑफ एजस्डम जेनरिस मतलब, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि जू के अंदर टाइगर होता है, जू के अंदर टाइगर होता है, जू के अंदर लायन होता है, जू के अंदर फॉक्स होता है, जू के अंदर वाइल्ड कैट्स होती है, एटसेट्रा, ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ ये जो वर्ड एटसेट्रा है, क्या ये वर्ड एटसेट्रा एक जनरल वर्ड है? हाँ। और उसके आगे लिखे हुए वर्ड्स क्या बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं? हाँ। और ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, क्या ये स्पेसिफिक वर्ड्स एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? हाँ। जिस कैटेगरी में और भी वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं? हाँ। तो बेसिकली ये क्या कहता है? जू, जू में टाइगर, लायन, फॉक्स, वाइल्ड कैट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये एटसेट्रा वर्ड को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? कहता है अगर स्टैट्यूट्स कंटेन स्पेसिफिक वर्ड, अगर जनरल वर्ड के आगे बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी। ये स्पेसिफिक वर्ड्स किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कौन सी कैटेगरी? वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी। और ये कैटेगरी एग्जॉस्ट नहीं हुई हो, मतलब इस कैटेगरी में और भी जानवर आने बाकी हो, तो कहता है जनरल टर्म फॉलोज द इन्यूमरेशन, मतलब जनरल टर्म अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के पीछे लिखा हुआ हो, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेशन, अगर और कोई इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक वर्ड्स जो आगे लिखे हुए हैं, जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल वर्ड अपना मतलब स्पेसिफिक वर्ड से निकालेंगे, मतलब एटसेट्रा अपना मतलब अपने आगे वाले वर्ड से निकालेगा। एजस्डम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, तो मतलब एजस्डम जेनरिस के पांच, मुझे एक बात बताओ, पांच रूल है। पांच रूल क्या है जब जिसमें आप एजस्डम जेनरिस लगाओगे? मुझे बताओ पांच रूल्स क्या है जिसमें आप एजस्डम जेनरिस लगाओगे? सबसे पहले स्पेसिफिक वर्ड्स होने पड़े, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने पड़े, स्पेसिफिक वर्ड्स शुड रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, कैटेगरी एग्जॉस्ट ना हुई हो, कैटेगरी एग्जॉस्ट ना हुई हो, जनरल वर्ड शैल फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड, जनरल वर्ड फॉलो करे किसको? स्पेसिफिक वर्ड को।
एंड और कोई इंटेंशन नहीं है लॉ मेकिंग बॉडी का, नो डिफरेंट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी का और कोई इंटेंशन नहीं है. तो जो जनरल वर्ड है वो अपना मतलब किससे निकालेंगे, जनरल वर्ड मतलब एटसेट्रा, ये सारा वर्ड अपना कहां से निकालेंगे, जो वर्ड उनके पहले है, मतलब जो आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे मतलब निकाला जाएगा. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है बॉय, नहीं जैसे लिखा हुआ है मेल, ये काम मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकती है, एंड ट्रांस जेंडर्स कर सकते हैं एटसेट्रा. तो मुझे एक बात बताओ, एटसेट्रा एक जनरल वर्ड है, फॉलोइंग दी स्पेसिफिक वर्ड्स, ये सारे एक स्पेसिफिक वर्ड्स है क्या? हाँ, ये एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किसकी, ह्यूमन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, हाँ. क्या ये एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? हाँ, ह्यूमन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. क्या एटसेट्रा एक जनरल वर्ड के पीछे लिखा हुआ है, सॉरी एटसेट्रा एक जनरल वर्ड है जो स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे लिखा हुआ है, थर्ड, हाँ. पर ये क्या ये कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गई क्या? हाँ, अब ह्यूमन में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के अलावा कोई बचा ही नहीं ना. तो कहता है ये कैटेगरी तो एग्जॉस्ट हो गई, तो कहता है कैटेगरी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए. अब जिसके पीछे एटसेट्रा लिखा है उस कैटेगरी में और लोग भी होने चाहिए, तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के अलावा कौन से ह्यूमंस बच गए भाई. तो कहता है कैटेगरी एग्जॉस्ट होगी. तो कहता है इस रूल को अप्लाई करने के लिए पांचों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, स्पेसिफिक वर्ड एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले और एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए, जनरल वर्ड शुड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड. समझा गया? ओके समझा, हाँ सारे बच्चे, वेरी वेरी गुड. इसका इसका इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस कब अप्लाई होगा बताओ. ये जो रूल है एजिस्डम जेनरिस का, इसकी पांच कंडीशंस क्या है, आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस केस में. एक्सेप्शन, रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस कब अप्लाई नहीं होगा, इफ प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, मतलब आगे वाले वर्ड भी जनरल वर्ड हो तो फिर एजिस्डम जेनरिस अप्लाई नहीं होगा. जैसे आगे वाले वर्ड क्या हो, जनरल वर्ड हो, द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, मतलब जैसे लेट्स से लिखा हुआ है कार टॉफी स्टेशनरी फर्नीचर एटसेट्रा, तो आगे वाले वर्ड्स भी जनरल है क्या? क्या आगे वाले वर्ड्स कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? कार टॉफी फर्नीचर चॉकलेट डाइनिंग टेबल एटसेट्रा, तो कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? कहता आगे वाले वर्ड भी या तो जनरल वर्ड हो या पर्टिकुलर वर्ड एक्सॉस्ट द होल जीनस, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पूरा एग्जॉस्ट हो गया क्या, वो कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गया क्या? कहता है एक्सेप्शन जब रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस अप्लाई नहीं होगा, कब, या तो पूरी की पूरी कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गई या आगे आगे वाले वर्ड भी क्या है, जनरल वर्ड है, या वेयर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एसेंशियली डाइवर्स इन कैरेक्टर, मतलब या तो आगे वाले वर्ड भी कैसे, अदर्स एटसेट्रा, तो आगे आगे वाले वर्ड भी क्या है, या तो जनरल वर्ड है या पूरी की पूरी कैटेगरी ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, या आगे आने वाले जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो डाइवर्स है, किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कार टॉफी फर्नीचर ग्लास, अब ये कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं. कहता स्पेसिफिक वर्ड्स आर डाइवर्स, कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करते. कहता है या फिर लॉ मेकर्स का कोई डिफरेंट इंटेंशन निकल के आ रहा है, तो फिर आप एजिस्डम जेनरिस नहीं लगाओगे. तो मेरे को एक बात बता दो, आपने पांच चीजें पढ़ी, एजिस्डम जेनरिस कब लगाया जाएगा और उसके एक्सेप्शन क्या है, तो मुझे बताओ रूल जो है एजिस्डम जेनरिस का, कि जो जनरल वर्ड है वो अपना मतलब स्पेसिफिक वर्ड से निकालेगा, ये रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस कब लगाया जाएगा? जब वर्ड्स आर स्पेसिफिक, जब वर्ड्स स्पेसिफिक हो, पहली चीज, स्पेसिफिक वर्ड्स रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, स्पेसिफिक वर्ड्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जब स्पेसिफिक वर्ड्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड, अब ये कैटेगरी एग्जॉस्ट नहीं हुई हो, नॉट एग्जॉस्टेड, और इस स्पेसिफिक वर्ड्स के पीछे लिखे हो जनरल वर्ड्स, जनरल वर्ड्स फॉलोज, जनरल वर्ड फॉलो करे स्पेसिफिक वर्ड्स को, ठीक है, जनरल वर्ड फॉलोज द स्पेसिफिक वर्ड्स, एंड लॉ का डिफरेंट इंटेंशन ना हो, लॉ का कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो, मतलब लॉ मेकर्स दैट इज लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो एक्सेट्रा डालने के पीछे, लॉ मेकिंग बॉडी का कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो. मैंने अच्छे से नहीं लिखा यहाँ पे, लेजिस्लेटिव हैज नो डिफरेंट इंटेंशन, आप क्या लिखोगे, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी हैज नो डिफरेंट इंटेंशन,
उनका कोई अलग इंटेंशन ना हो ये वर्ड को पीछे ऐड करने का। तो बेसिकली ये रूल है जिसमें ये पांचों अगर सेटिस्फाई होते हैं तो रूल ऑफ एजिस्टम जनरिस लगता है। पर अब ये क्या बात कर रहा है, एक्सेप्शन, ये कब रूल ऑफ एजिस्टम जनरिस नहीं लगेगा। कहता है या तो वर्ड्स ही जनरल हो या तो क्या हो, स्पेसिफिक वर्ड्स ही ना हो। ये कहता है ना पहले तो स्पेसिफिक वर्ड्स का होना पड़ा, तो ये पहला क्या बोलता है, या तो वर्ड्स ही सारे जनरल हो। ओए स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गई, अरे ओहो एक मिनट, ओके। प्रीसीडिंग टर्म भी क्या हो, जनरल हो। व्हेन द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, प्रीसीडिंग टर्म भी क्या हो, बेटा जी कहता है जब प्रीसीडिंग टर्म भी क्या हो, जनरल हो। प्रीसीडिंग टर्म भी क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जनरल वर्ड जिनके पीछे लिखा हुआ है वो जो आगे वाले वर्ड्स भी जनरल है। कैटेगरी इज एग्जॉस्टेड, पूरी की पूरी कैटेगरी क्या हो गई है, पूरी की पूरी कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गई है, पूरी की पूरी कैटेगरी एग्जॉस्ट हो गई है। और क्या कहता है, ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑफ डाइवर्स नेचर, आर ऑफ डाइवर्स नेचर। स्पेसिफिक वर्ड्स क्या है, डाइवर्स नेचर के हैं, मतलब दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। मतलब या तो वर्ड्स ही स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, या किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करते, या कैटेगरी ही एग्जॉस्ट हो गई, या लॉ मेकर्स का डिफरेंट इंटेंशन है, लॉ मेकर्स हैज डिफरेंट इंटेंशन। तो ऐसे केस में फिर रूल ऑफ एजिस्टम जनरिस नहीं लगेगा। सारे बच्चे मैम व्हाइट पेन यूज कर लो, हाँ बेटा कहता व्हाइट है। पवन, पवन कह रहा है मैडम क्या व्हाइट शीट पे क्या ब्लैक पेन यूज करती हो, व्हाइट शीट पे व्हाइट पेन यूज करो आप हैं। मैम क्लास कितने बजे तक चलेगी, अब 15 मिनट और चलेगी, 15 मिनट्स और। तो आपने प्राइमरी रूल्स पढ़ लिए सारे बच्चे, अब आपको प्राइमरी रूल्स समझ में आ गए हैं। प्राइमरी रूल्स क्या था, रूल ऑफ लिटरल, यहां पे मैं ले जाती हूं आपको, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा लिखने के समय कि ये रूल्स किसके बारे में बात करते हैं। ये सारे रूल्स आपने पढ़े प्राइमरी रूल्स। जब प्राइमरी रूल्स से इंटरप्रिटेशन ना हो पाए तो आप सेकेंडरी रूल्स की तरफ जाते हो, जब प्राइमरी रूल्स से इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा तो आप सेकेंडरी रूल्स के पास जाते हो। तो प्राइमरी रूल्स क्या थे बेटा, लिटरल मतलब जैसा है वैसा पढ़ो, रीजनेबल कहता है अब जैसा है वैसा क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से डिपार्ट करो। हार्मोनियस मतलब क्या कहता है, जब दो प्रोविजन एक दूसरे से डिशम डिशम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ऐसे केस में उसे ऐसे इंटरप्रेट करो कि दोनों का फुल इफेक्ट आए, दोनों में हार्मनी आए। रूल ऑफ हेडन्स केस कहता है एक नए लॉ को समझने के लिए पहले पुराना लॉ, वो उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, नया लॉ डिफेक्ट को कैसे रिवॉल्व करता है, और ट्रू रेमेडी का क्यों लाया गया, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रू रेमेडी। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है एक अगर स्टैट्यूट के दो कंस्ट्रक्शन निकल के आ रहे हैं तो जो ज्यादा बेनिफिशियल है टू द सोसाइटी वो लाओ। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन मतलब एक वर्ड का पूरा मतलब फुल इफेक्ट निकाला जाए, पर वर्ड का मतलब कब एलिमिनेट कर दोगे, जब कोई सेंसिबल मतलब ही नहीं निकलता या फिर इट इज डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट। रूल ऑफ एजिस्टम जनरिस आपने अभी अभी पढ़ा। ओके, अब लास्ट 15 मिनट बाकी है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट 15 मिनट्स इज लेफ्ट एंड नाउ वी विल रीड रूल सेकेंडरी रूल्स, 15 मिनट और सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, इसके साथ सेकेंडरी रूल्स की शुरुआत, दो ही सेकेंडरी रूल्स हैं। हाँ लिख सकते हैं बेटा, बट आकांक्ष कुछ ऐसा मत लिख देना जिससे कोई और ही मतलब निकल जाए। सेकेंडरी रूल्स बेटा जी, सेकेंडरी रूल्स, अब ये दो रूल्स हैं जो सेकेंडरी रूल्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ नोस्ट्रियोसोसिस, डॉक्ट्राइन ऑफ नोस्ट्रियोसोसिस, ये क्या है बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ नोस्ट्रियोसोसिस का मतलब क्या है। सारे बच्चे सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर आएंगे। नोस्ट्रियोसोसिस मतलब क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स दैट आर केपेबल ऑफ पैरेलल और सिमिलर मीनिंग। मुझे एक बात बताओ, तुम अगर आवारा लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी आवारा ही माने जाओगे, मतलब जिनके साथ तुम घूमोगे तुम वैसे ही माने जाओगे। अगर तुम अच्छे बच्चों के साथ घूमोगे तो तुम अच्छे बच्चे माने जाओगे, तो जिनके साथ तुम रहते हो
जिनकी संगति में आप रहते हो उन्हीं के जैसे आप माने जाते हो, तो वही है नोस्ट्रियोसोसिस। कहता है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड का पैरेलल या सिमिलर मतलब निकल रहा है और वो अगर साथ में लिखे हुए हैं तो आप उन सारे वर्ड्स को उनके कॉग्नेट सेंस में रीड करेंगे, मतलब आजू बाजू वाले वर्ड से जो मतलब निकल रहा है उसी से उसका मतलब निकाला जाएगा। मतलब अगर वर्ड्स एक साथ दूसरे वर्ड्स के साथ लिखे हुए हैं तो वो अपना मतलब एक दूसरे से निकालेंगे। जैसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जिनका पैरेलल या सिमिलर मीनिंग निकल सकता है अगर वो वर्ड्स साथ में लिखे हुए हैं, इफ दे आर कपल्ड टुगेदर, तो उन वर्ड्स का जो मतलब आप निकालोगे, दे आर टू बी यूज्ड इन द कॉग्नेट सेंस, मतलब उनको एक दूसरे से आप उनका मतलब निकालोगे। जैसे दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, वर्ड्स अपना कलर एक दूसरे से लेंगे। जैसे बोला है, देखो परचेज टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि परचेज टैक्स लगेगा मैन्युफैक्चरिंग बेवरेजेस में, जो भी मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस पे परचेज टैक्स लगेगा, इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस, बॉटल्ड वाटर एंड सिरप। तो कहता है ये जो फ्रूट जूस है ये किसके साथ लिखा हुआ है, बॉटल्ड वाटर और सिरप के साथ लिखा हुआ है। तो ये जो फ्रूट जूस है ये अपना मतलब किससे निकालेगा, अपने बाजू वाले वर्ड से। बॉटल्ड वाटर मतलब जो कैंड हो, जो स्वीटेंड हो। तो कहता है इसमें ना ऑरेंज जूस जो कि अनस्वीटेंड है, फ्रेशली प्रोसेस्ड है, वो नहीं आता। कहता है जब ऐसा लिखा है परचेज टैक्स लगेगा मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस में इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर एंड सिरप, तो यहाँ पे फ्रूट जूस अपना मतलब अपने बाजू वाले वर्ड से निकालेगा। तो फ्रूट जूस अपना मतलब किससे निकालेगा, फ्रूट जूस मतलब कौन से जूस की बात हो रही है, जो कैन में बिकते हैं उनकी बात हो रही है। तो अब इसमें वो जो नॉर्मल हमारे ठेले पे जो ऑरेंज जूस बिकता है, जो अनस्वीटेंड जिसमें चीनी नहीं डाली जाती, जो फ्रेशली बनता है, वो इस फिट में, इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता। तो कहता है फ्रूट जूस का डिस्क्रिप्शन क्या है, आप उसका मतलब कैसे निकालोगे, कौन सा फ्रूट जूस की बात हो रही है, जो कैंड है, जो बॉटल्ड है, क्योंकि ये जो फ्रूट जूस है किसके साथ लिखा हुआ है, बॉटल्ड वाटर और सरप्स के साथ लिखा हुआ है। तो ये अपना मतलब, अब मेरे साथ वापस से बोलोगे, सारे बच्चे मेरे साथ वापस से बोलोगे, नोस्ट्रियोसोसिस मतलब क्या हो गया, वेन टू और मोर वर्ड्स, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड जिनका सिमिलर मीनिंग है, वेन टू और मोर देन टू वर्ड्स हैविंग पैरेलल या सिमिलर मीनिंग, वेन दे आर कपल्ड टुगेदर, अगर इन्हें एक साथ लिखा हुआ है तो वो कैसे समझेंगे हम, दे आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट सेंस, एक दूसरे के रिलेशन में हम उन्हें समझेंगे, उनके कॉग्नेट सेंस में उन्हें समझेंगे। वेरी 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 गुड, समझा गया, वेरी वेरी गुड। तो अगर परचेज टैक्स लगेगा फ्रूट जूस पे, बॉटल्ड वाटर पे, सिरप पे, तो जो फ्रूट जूस का मतलब आप क्या निकालोगे, जिसके साथ ये वर्ड लिखा हुआ है, कैंड वाले फ्रूट जूस, मतलब जो ऑरेंज जूस अनस्वीटेंड है, फ्रेशली प्रोसेस्ड है, वो इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल है, वेरी गुड। अगर यहां पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, अगर मैं यहां पे आपको एक और एग्जाम्पल दूं, ये तो प्राइमरी हो गया, नोस्ट्रियोसोसिस मतलब, वापस से सुनना, when, वापस से मेरे साथ जोर जोर से बोल बेटा, नोस्ट्रियोसोसिस मतलब when two और, वापस से बोल, when two or more than two words, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, when two or more than two words are capable of सिमिलर और पैरेलल मीनिंग, जब दो वर्ड्स का सिमिलर या पैरेलल मीनिंग हो सकता है, सिमिलर मीनिंग लिख दो, व्हेन सिमिलर मीनिंग हो सकता है, तो और ये सारे वर्ड्स कपल्ड टुगेदर हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, तो दे आर, आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे, दे आर टू बी अंडरस्टूड, उन्हें आप पढ़ेंगे उनके कॉग्नेट सेंस में, एक दूसरे के रिलेशन में आप इन्हें पढ़ोगे, समझा। जैसे परचेज टैक्स लगेगा फ्रूट जूस, सिरप, बॉटल वाटर में, तो फ्रूट जूस अपना मतलब आजू बाजू वर्ड वालों से निकालेगा। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, ऐसे लिखा हुआ है बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, तो ये जो प्रोफेशन है ये किसके साथ लिखा हुआ है, बिजनेस और ट्रेड के साथ, तो मुझे बताओ बिजनेस और ट्रेड किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, करेक्ट, बिजनेस और ट्रेड किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, तो यहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा क्या, क्या बिजनेस में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा क्या, नहीं,
क्योंकि बिजनेस ये जो वर्ड है अपना आजू वाले वर्ड से मतलब निकाल रहा है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं आता, ठीक है। तो दैट इज रूल ऑफ नॉस्ट्रियोसोसिस। एक और केस लॉ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो, लास्ट डॉक्ट्राइन है बेटा, इसके बाद आपका टाटा बाय बाय मेरी तरफ से हो जाएगा। क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो। अब ये क्या है मैडम, डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो क्या बोलता है, तो ये क्या कहता है, कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिना इन लेगे। मतलब मैडम मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कहता है कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो का मतलब क्या है, जो पुराने कस्टम्स हैं वो कस्टम्स बेस्ट है एंड स्ट्रॉन्ग है। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब ये है, कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो मतलब जो हमारे कंट्री के पुराने कस्टम्स है वो बेस्ट है और स्ट्रॉन्ग है। मतलब दिस मींस दैट डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, ये जो डॉक्ट्राइन है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए आपको रेफर करने पड़ेंगे कस्टम्स जो उस समय पे प्रिवेल करते थे। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है क्या हमारी कंट्री में जो बहुत पुराने पुराने हैं, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, आपने जनरल क्लॉज में भी पढ़े होंगे, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जो बहुत पुराने समय से हमारे कंट्री में बने हुए, जो बहुत पुराने समय में बने थे। कहता अगर आपको उन एक्ट्स को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेफर करना पड़ेगा कस्टम्स जो उस जमाने में थे, उस जमाने में क्या कस्टम्स थे उनको रेफर करना पड़ेगा उन पुराने एक्ट्स को समझने के लिए। तो कहता ये मैक्सिम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशो, ये अप्लाई होता है अगर आपको एंशियंट पुराने एक्ट्स को समझना हो, बट नॉट टू एनैक्ट दी मॉडर्न एक्ट। अगर मॉडर्न लॉ को समझना है जो अभी बने हुए हैं तो आपको पुराने कस्टम्स देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको एंशियंट पुराने एक्ट्स को समझना है तो पुराने काल में, पुराने जमाने में जो कस्टम्स होते थे उनको जानना आपको जरूरी है। तो कहता है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, कस्टम एक बेस्ट इंटरप्रेटर है। तो कहता है जब लॉ को पास किया गया था तब क्या कस्टम्स थे, दिस मींस दैट लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास्ड। जब लॉ को पास किया गया था उस सेंस में हमें लॉ को समझना पड़ेगा। तो कहता है बेसिकली क्या हो गया भाई, इरेजर नहीं चल रहा है, इरेजर की जगह ये पेन चल गया। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं बेटा जो बहुत पुराने पुराने हैं, तो उन लॉ को समझने के लिए जैसे पहले जब पास हुए थे वो उस समय क्या कस्टम्स थे उनको समझना जरूरी है। कहता है दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट दैट स्टैट्यूट्स मतलब लॉ को आप इंटरप्रेट करेंगे कैसे, बाय रेफरिंग टू द एक्सपोजिशन मतलब बाय रेफरिंग टू द कस्टम्स इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द कंटेम्पररी अथॉरिटीज। कंटेम्पररी अथॉरिटीज मतलब पुराने जमाने के लोग जिन्होंने लॉ बनाया, पुराने लोग जिन्होंने लॉ बनाया। तो कहता है अगर आपको ये डॉक्ट्राइन इस कॉन्सेप्ट पे है कि आपको अगर किसी पुराने लॉ को इंटरप्रेट करना है तो जो कस्टम्स थे पुराने जमाने में, जो पुराने लोगों ने रिसीव किए जो कस्टम्स, वो उस जमाने के जो कस्टम्स है उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। मतलब लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वॉज, लॉ जिस सेंस में बनाया गया था उस सेंस में आपको समझना पड़ेगा, पुराने कस्टम्स को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके एवरीबडी, समझ में आ गया। चलिए एवरीबडी, तो हमने प्राइमरी, आप लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया था मैडम इंटरप्रिटेशन करवा दो, तो बेटा जी ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन थे। तो ये तो हो गए बेटा आपके नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स, राइट। उसके अलावा अगर इंटरप्रिटेशन और करना है तो आप क्या देखते हैं, आप एक्ट के अंदर भी झांक के देखते हैं, मतलब एक्ट का लॉन्ग टाइटल प्रियम्बल वगैरह भी देखते हैं, और देर आर एक्सटर्नल एड्स ऑल्सो, राइट, वो भी देखे जाते हैं।
तो ये आप अपने आप पढ़ लेंगे, ये बहुत ईजी है कि लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल क्या होता है, प्रीएम्बल क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, एक बार पढ़ने से ही समझ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप ये डेफिनेशन का पार्ट जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स पढ़ लिया, ठीक है मेरा जी। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने ट्राई किया कि मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में लूं, कि अगर किसी बच्चे ने पहली बार भी पढ़ा है तो उसे समझ में आ जाए, या उतने अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ जाए। तो आई होप ये जो 1.5 घंटा तुमने मुझे दिया है, ये आपके लाइफ का फ्रूटफुल 1.5 घंटा हुआ हो बेटा। मैं यही चाहती हूँ कि आपने फ्रूटफुली अपने, अगर आप मेरे को अपने लाइफ का 1 मिनट भी दे रहे हो तो वो फ्रूटफुल रहना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप ये फ्रूटफुल रहा। थैंक यू सो मच बेटा जी, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया जो प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए। एक बार आप खुद पढ़िएगा, और अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो क्लास में मैंने नोट्स बनवाए हैं, आप उन नोट्स को पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो बेटा जी। आज की क्लास अब यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, और परसों 15, आज क्या तारीख है, 13 तारीख है ना, तो 15 तारीख को हम जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ेंगे, 15th को हम GC एक्ट पढ़ेंगे। तो आपको मैं मिलती हूँ 15 तारीख को 4 बजे 4 PM हम क्या पढ़ेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट को पढ़ेंगे। अब ये भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं मैडम जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा दो, तो 15 तारीख को 4 बजे हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को पढ़ेंगे। तो सी यू ऑन दी 15 तारीख 4 बजे जब हम GC एक्ट को पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, हमारी पूरी टीम आपको बहुत सपोर्ट करना चाहती है, पूरी टीम आपको बहुत हेल्प करना चाहती है। तो आई होप कि आपको वो हेल्प मिल रही है, अगर यस तो हमें प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी टीम को आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारा गुड लक आप सभी के लिए। तो 15 तारीख को GC एक्ट के साथ मिलेंगे बेटा, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हैं गणेश, गणेश कहना मैडम नेगो भी ले लो, हाँ बेटा नेगो भी जल्दी लिया जाएगा इसी चैनल पे, डोंट वरी। मैं नहीं तो IG सर ले लेंगे, कोई तो कोई ले लेगा, ठीक है। GC एक्ट 15 तारीख को अपने करते हैं। बाय बाय बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बेटा जी, सी यू।